106.2 FM, ये हॉटेस्ट ऑकलैंड्स ओनली हिंदी फिल्म रेडियो पर। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारे साथ में हो जाएंगे द मैन हिमसेल्फ अभिषेक बच्चन, तो वैसे ही वो लाइन पर हो गए सैंडी। एग्जैक्टली, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, बिकॉज मनमर्जियां मूवी आने वाली है और मनमर्जियां के साथ रॉबी यहां पे बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं, एके अभिषेक बच्चन। ऑलराइट, सो अभिषेक, आपका स्वागत है ऑन हम 106.2 FM हियर इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड। हाउ आर यू ब्रो? I'm very good, thank you so much, and lots of love to all your listeners in New Zealand. वैसे मैं ये बोलना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड से मतलब न्यूजीलैंड के लिए आप नए नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हुई थी और अच्छी खासी शूटिंग जो है यहाँ पर हुई थी, जिस दौरान आप भी यहाँ पर आए हुए थे। एंड नाउ बिल्कुल, एक्चुअली मैं न्यूजीलैंड कई बार आया हूँ शूटिंग के लिए। पहली बार आया था 2001 में, मैंने एक फिल्म बनाई थी बस इतना सा ख्वाब है, उसके गाने जो थे हमने न्यूजीलैंड में शूट की थी। उसके बाद एक और फिल्म मैंने बनाई थी शरारत, उनके गाने वहाँ शूट किए गए थे। फिर मैंने एक पूरी फिल्म वहाँ शूट की थी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, जो सूरज बरजाती की फिल्म थी, उसके लिए मैं आया था। फिर उसके बाद पूरी प्लेयर्स भी वहाँ शूट हुई थी, खास करके ऑकलैंड में। क्या बात है, मतलब न्यूजीलैंड से लगता है फिर काफी लगाव है आपको, राइट? बहुत लगाव है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज ऑन अर्थ। और ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि जहाँ पर फिल्मों की बात होती है, शूटिंग की बात होती है, ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड का जो नज़ारा है, यहाँ का जो माहौल है, ये तो बहुत ही बेहतरीन है। बट देन वी आर टॉकिंग अबाउट मनमर्जिया और विल कम बैक टू न्यूजीलैंड एंड द ब्यूटी ऑफ इट। बट देन अनुराग कश्यप के साथ में काम करने का यू नो अवसर आपको मिला है और इस फिल्म में आप विकी कौशल, तापसी के साथ में काम कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द मूवी मनमर्जिया एंड अबाउट योर रोल इन दिस मूवी। पिक्चर का नाम जैसे आप जानते हैं मनमर्जियां, इसमें मेरा रोल का नाम, कैरेक्टर का नाम है रॉबी। रॉबी भाटिया एक बैंकर है जो लंदन में रहता है और वहां काम करता है, और वो अपने माता पिता के घर लौट आता है अमृतसर में शादी करने के लिए। उसने वो राजी हो गया शादी करने के लिए और एक अरेंज मैरिज के लिए। उसके माता पिता उसको लड़कियां दिखा रहे हैं और उस दौरान उसकी मुलाकात होती है रूमी से, जो एक अमृतसरी लड़की है जो तापसी का रोल है, और वो उससे उसका प्यार हो जाता है और शादी कर लेते हैं। तब जाके उसको पता चलता है कि एक्चुअली रूमी किसी और को चाहती है, किसी और से प्यार करती है, और उसके बाद क्या क्या होता है और लव ट्राइंगल कैसे आगे बढ़ता है, पिक्चर ये है। राइट, और ये पहली मर्तबा है जब तापसी के साथ में भी आपने काम किया है। ऑफकोर्स अमित सर ने फिल्म में उनके साथ में काम किया है और आप भी उनके साथ में काम कर रहे हैं। सो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस यू नो तापसी के साथ में एंड ऑल्सो विक्की कौशल, जो कि ऑफकोर्स इंडस्ट्री में नए आए हैं, लेकिन दोनों विक्की और तापसी के साथ ही मेरी पहली फिल्म है। दोनों बहुत ही मंझवे कलाकार हैं, दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, और उन दोनों के साथ काम करके बहुत ही मजा आया, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। बस उन्हें देख के मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ और सीखने की कोशिश की है मैंने यू नो ड्यूरिंग द शूटिंग, और दोनों के साथ बहुत ही प्यारे हैं और दोस्त बन गए अभी। क्या बात जी। एंड यू नो मूवी की वो जो टैगलाइन है अभिषेक, लव इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, पीपल आर, डू यू बिलीव इन दिस कि लव कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता बल्कि लोग आसपास के होते हैं? लाइक कितना फिजिबल है ये? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इसके साथ, क्योंकि अगर आप देखें प्यार जो है एक ऐसा इमोशन है जो अगर आप किसी से सच्चा प्यार करें तो वो बहुत ही साधारण सा इमोशन है। इट्स नॉट ग्रे कलर्ड एट ऑल, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट। वी एज पीपल वी मेक इट ग्रे, क्योंकि हम अपने खुद के जो इनसिक्योरिटीज हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो प्यार में ले आते हैं। अगर आप प्यार को अकेले देखें, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लवली ब्यूटिफुल इमोशन। Wow, this is so beautiful. प्यार में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों के अंदर वो जो इमोशंस है चलते रहते हैं। प्यार में पॉलिटिक्स और वो सब है, होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए ना, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नाउ इस फिल्म को लेकर आपने बताया कि इस फिल्म का किरदार इस फिल्म में, और अनुराग कश्यप के बारे में एज अ डायरेक्टर, मतलब चाहे उनकी फिल्में ले ले या फिर सेक्रेट गेम्स अभी जो नेटफ्लिक्स पर है आई थिंक, या फिर लस्ट स्टोरीज में भी जो उन्होंने यू नो थोड़ा सा दिखाया हुआ है, उनका जो काम है वो लोग देख रहे हैं, और ना केवल इंडिया में या ना केवल इंडियंस जो बॉलीवुड से जुड़े हैं। मुझे लगता है कि अब इंडस्ट्री इतनी आगे जा चुकी है कि जो लोग यू नो हिंदी भाषी ना भी है वो भी बॉलीवुड फिल्मों को बहुत एंजॉय करते हैं। सो व्हाट्स योर मैसेज टू एवरीवन हु इज लिसनिंग इन न्यूजीलैंड, इन ऑस्ट्रेलिया, इन फिजी, एंड हूएवर इज लिसनिंग टू हम एफएम एट दिस पॉइंट इन टाइम? वेल, आई जस्ट होप दे एंजॉय द फिल्म। आई रियली थिंक दैट
you know, the team of Kanika, the writer, Anurag, the director, and Anand L. Rai, the producer, have come together with truly a very unique product in terms of how they're telling the story. I think it's a story that today's youth will really identify with. And I really do hope that they enjoy the film. You know, they'll get to see India also in a new light. Hmm. You know, I still feel in the West, somehow India still looked upon as a very ancient culture where elephants and snake charmers still, you know, line the streets. Yeah. What they don't realize is that that might be happening, but also with that, we have a very modern approach. We're a very modern and liberal culture as well. And I think they'll get to see what, you know, the youth of India truly feels like and what they really are in this film. So I really feel for anybody who doesn't really know much about India and its culture, this is going to be quite an eye-opener. Of course, जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है, we are all waiting for मनमर्जियाँ. इसमें आपका जो रोल है, आपके लुक्स हैं और जिस तरह से फिल्म को ट्रेलर में दर्शाया गया है, we are all very very excited and we are waiting for 14th of September for the movie to release. जी, thank you. एंड जाने से पहले वो जो न्यूजीलैंड वाली बात हम कर रहे थे ना, बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि यू नो भाभी जी को भी लेकर आइएगा और देव को भाभी जी से मिलना है. नहीं नहीं, वो बात तो अलग है. और जब हम प्लेयर्स की शूटिंग कर रहे थे, ऐश्वर्या थी मेरे साथ वेलिंगटन और ऑकलैंड में. हाँ, बस वही ना कि हम लोगों को पता नहीं चला ना, बड़ा सीक्रेट रखा था. अगली बार आपको बता के आएंगे. हाँ वही यार, वही तो मैं बोल रहा हूँ. थैंक यू अभिषेक. नाउ थैंक यू सो मच अभिषेक, आपसे इतनी सारी बातें हुई और इस फिल्म के लिए बेस्ट ऑफ लक the entire team. Thank you so much. Thank you so much, guys. I appreciate it. Thank you. Thank you. Thank Bye-bye. You. And good night. Good night. I know it's very late over there. Oh, yeah. Thank you so much. Thank you for waiting. Thank no you worries, waiting. Any day. No. Thank you. Cheers, man. Bye-bye. Take care. Bye.